इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ें। हमें सिंपल सेंटेंस की समझ आ चुकी है। सिंपल सेंटेंस, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो सिंपल सेंटेंस। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद सईद एंड वेलकम टू जेम्स इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, चले अब हम सिंपल सेंटेंस और उसके रूल्स और स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो सिंपल यानी एक सादा सा जो जुमला है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी जुमले की, यानी बिल्कुल सादा शक्ल है। इट कंटेन्स द बेसिक कंपोनेंट, यानी एक सिंपल सेंटेंस में आपको दो चीज़ें मिलेंगी जिसकी वजह से वो सेंटेंस में बनता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब एंड द कंप्लीट थॉट। और उसमें क्या होगा, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा और वो कंप्लीट थॉट यानी आपको मुकम्मल सोच देगा। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला, और बाकी जितना भी हिस्सा है प्रेडिकेट हमेशा बात करता है सब्जेक्ट के बारे में। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में जो है, जैसे क्लॉज में ये याद रखें, इसकी शर्त यही है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो तो वो एक क्लॉज है। अगर वो कंप्लीट थॉट दे रही है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है। और इसकी कोई नो डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, यानी ऐसी क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद है मगर उसको एक और मेन क्लॉज की ज़रूरत है ताकि वो एक कंप्लीट थॉट दे सकें। देयरफॉर सिंपल सेंटेंस इज आल्सो रेफर टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपने ये याद रखना है, सिंपल सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और वो कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं आप। जैसे शी क्राइड यानी वो रोई, तो उसमें शी जो है सब्जेक्ट है, क्राइड इज द वर्ब। तो ये एक सिंपल क्लॉज है विच इज़ द इंडिपेंडेंट, यानी पूरा अपना मफहूम दे रही है। सारा लाइक द बुक, सारा इज़ द सब्जेक्ट, लाइक इज़ द वर्ब, बुक इज़ द ऑब्जेक्ट। तो अगेन जो है ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दे वर लेट, अगेन दे सब्जेक्ट है, वर इज़ द वर्ब और लेट इज़ एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके रूल्स को समझ लेते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे, यानी जो कम यानी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे जो कंप्लीट थॉट देते हैं। दिस क्लासेस आर कंबाइंड विद द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इन दो क्लासेस को, इन दो सिंपल सेंटेंसेस इसमें मौजूद होंगे और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो हैं। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हमें कंपाउंड सेंटेंस इससे मिल जाएगा। जैसे अब देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है विच इज़ द टी। और दूसरा, ये पहला सेंटेंस है। अगर दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करें तो ही लाइक्स कॉफ़ी, यानी ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आई लाइक टी, ही लाइक्स कॉफ़ी। मगर इनको मिलाने के लिए हमने क्या किया, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया विच इज़ एंड। तो हम ये कहेंगे आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। तो जब दो सेंटेंस मिल जाएंगे सिंपल सेंटेंस, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और इसको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। It is also important to notice that punctuations can be used to form a compound. इसमें punctuation यानी एराब भी आप लगा सकते, यानी punctuation mark भी आप लगा सकते हैं, जैसे कामा है, ऐसे जैसे using the dash or a semicolon between two independent classes and also create a compound. तो आप semicolons ये dashes का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे he bought me a dress. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, और आई डेंट लाइक इट्स कलर. तो अब दो सिंपल सेंटेंस जो हैं, दो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इसको कंबाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल किया गया है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ओके, नेक्स्ट है स्लीम हैज़ रिटर्न होम सो वी डिडंट मीट हिम. अगेन इसमें दो सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से मिलाया गया है, तो इससे हमें एक कंपाउंड सेंटेंस मिलता है. नेक्स्ट लेट्स मूव. अभी हमें इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ें. हमें सिंपल सेंटेंस की समझ आ चुकी है. सिंपल सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, मगर उनको यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जाएगा या कंबाइन किया जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं. चलिए बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास कनेक्टेड टू इट. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास. ये दूसरी इसकी शर्त है. अब आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो मेन क्लास है, यानी जो कंप्लीट, यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है और कंप्लीट थॉट देती है. मगर डिपेंडेंट क्लास हमेशा जो है वो डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट क्लास पे, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे सके. तो इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्लॉजेस आर कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अच्छा, अब पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को, जब हमने उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया, एंड बट, ठीक है, मगर यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इन क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, और वो ये हैं व्हेन, अनटिल, बिकॉज, वाइल. अगर ये वाले अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये जो हैं, ये इनका जो काम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी ये क्लासेस को कंबाइन करने या कनेक्ट करने में मदद करेंगे, यानी ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. You can construct a complex sentences by including the dependent clause first, followed by independent clause. आप इनको complex sentence बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक dependent clause को पहले आप ले आएंगे और उसके बाद independent clause को, और ये change भी हो सकता है position, जैसे dependent clause plus independent clause, तो आपको complex sentence मिल जाएगा. आपको जैसे when the cake is brown, comma, take it out the oven. अब देखें first when the cake is brown. अब देखें ये क्लास है, केक इज द सब्जेक्ट, वर्ब भी मौजूद है, मगर अब when the cake is brown, जब ये केक ब्राउन हो जाए, तो ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत है. वो ये है टेक इट आउट द ओवन, ये उस वक्त क्या करना, उसको ओवन से निकाल देना. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है जो अकेले में, दिस कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में ये अकेले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसे मायने या डजंट मेक अ कंप्लीट थॉट. इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत है, ताकि इट जस्ट मेक अ कंप्लीट सेंस और थॉट. ओके जी, state whether the following sentences are simple, compound or complex. आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपने ये बताना है कि आया कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। पहले दो मैं आपके लिए कर देता हूँ, तो बाकी के जो आपने मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपके कौन क्या आंसर थे या कितने ठीक थे। जैसे फर्स्ट है, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट द होल फैमिली वाज सेव्ड। देखिए इसमें दो सेंटेंसेस हैं, सिंपल हैं, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड, द होल फैमिली वाज, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को एक बट से जोड़ा गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। वॉकिंग थ्रू द वुड ही सॉ फॉक्स दैट वाज फॉलोइंग हिम, दैट वाज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड है, द लार्ज हॉर्सेस वॉक स्लोली, तो देखें इसमें लार्ज हॉर्सेस सब्जेक्ट है, वॉक इज द वर्ब और स्लोली जो है एडवर्ब है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स, इफ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो पहला जो इसका हिस्सा जो है इफ से शुरू हुआ है, ये डिपेंडेंट क्लास है, जबकि जो सेकंड जो है इसका हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। He said that he was so disappointed that he would not try again, तो ये complex sentence है। Next is also the complex sentence, the man who ruled the world with their pens are mightier than those who rule the world with their swords. Simple sentence है जी, Javed and Palvisha went home. Simple again sentence है, this the evil that men do lives after them. All that glitter is not gold. Again, this is the simple sentence. और last में, neither the color nor the design of this cloth appeals to me. तो ये compound sentence है।